हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं साहो का 14 डेज और पहलवान का फर्स्ट डे के कलेक्शन के बारे में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग जानते हैं हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और भी डालने वाले हैं। तो साहो का बजट है 350 करोड़, जहाँ पर साहो ने अच्छा होल्ड करके रखा है। एक क्रिटिक्स का बुरा रिव्यू और पब्लिक का बुरा रिव्यू के बाद भी एक मूवी अगर 500 करोड़ कमा ले तो ये कोई छोटा बात नहीं होता दोस्तों। तो साहो ने 14 डेज पे कलेक्शन किया है वर्ल्ड वाइड से 7 करोड़। साहो का जो टोटल कलेक्शन है 14 डेज का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन टोटल मिलाकर वो है 558 करोड़। तो अच्छा कलेक्शन किया है। एक मूवी जब 558 करोड़ कमा ले 14 दिन के कलेक्शन के बारे में, तो एक अच्छा मूवी है, एक मूवी का बढ़िया होल अभी तक करके रखा है। तो आप लोग इसी तरह से साहो को सपोर्ट करना। आप चलिए शुरू करते हैं पहलवान को लेकर। पहलवान एक बढ़िया बिग बजट वाली मूवी है, बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है पहलवान। पहलवान ने बहुत बढ़िया होल्ड करके रखा है। पहलवान ने अपने फर्स्ट डे पे कर्नाटका से 14 करोड़, तमिल से 2 करोड़, तेलुगु से 4 करोड़, मलयालम से 3 करोड़ और हिंदी से 3 करोड़ कमा लिए हैं ग्रोस कलेक्शन में। और पहलवान ने ओवरसीज से 1 करोड़ कलेक्शन किया है। पहलवान का अभी तक का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 34 करोड़। तो एक अच्छा होल्ड करके रखा है। आप लोग जानते हैं पहलवान आज बहुत कम थिएटर में रिलीज़ हुआ है, हिंदी में ज़्यादा शोज नहीं मिला, सिर्फ 16 या 17 शोज मिला है, बहुत कम शोज मिला है। जो भी हो, पहलवान अच्छा होल्ड किया है, अच्छा कलेक्शन किए हैं। आप लोग इसी तरह से पहलवान को सपोर्ट करना, क्योंकि आप लोग जानते हैं पहलवान का बजट है 75 करोड़। तो एक मूवी का बजट जब 75 करोड़ हो, अगर उस मूवी ने फर्स्ट डे पे 34 करोड़ कलेक्शन कर लिया, तो ये एक अच्छा कलेक्शन है, एक बढ़िया कलेक्शन है। इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करना पहलवान को। हम लोग भी साउथ को सपोर्ट करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, क्योंकि आप लोग जानते हैं साउथ का सारे मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हम लोग देते रहते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।